नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना डायलिसिस किडनी को ठीक करने के बारे में। कुछ घरेलू उपचार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते किडनी रोगियों के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें उन्हें हम सारी जानकारी देते हैं जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिना डायलिसिस किडनी को ठीक करने के कुछ घरेलू उपचारों के बारे में। अगर आपकी किडनी में खराबी आना शुरू हुआ है, तो ऐसे में आपके माइंड में एक कहीं ना कहीं एक डर सता रहा होगा, डायलिसिस से कैसे बचे। तो अगर अभी डायलिसिस होना शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप अपनी किडनी को डायलिसिस से बचा सकते हैं। आपके शरीर के अंदर एक डायलिसिस मशीन ऑलरेडी काम कर रही है, जिसे हम किडनी कहते हैं। बेसिकली डायलिसिस क्या करता है, आपकी किडनी का काम करता है। वहीं अगर आपको डायलिसिस से बचे रहना है, तो यानी आपको अपनी किडनी को बचाए रखना है। किडनी को बचाने के लिए आपको उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करना है, और जो उसमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनसे दूरी बना लेनी है। इस तरीके से आप अपनी किडनी को डायलिसिस से बचा सकते हैं। अब कुछ घरेलू उपचार हैं जिनकी मदद से आप अपनी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जीरे का पानी। जी हाँ, आप जीरे को सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर के साथ आप इस पानी को पियेंगे, तो इससे आपकी किडनी भी डिटॉक्स होगी, साथ ही साथ आपकी जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अच्छे से काम करेगा। दूसरा घरेलू उपचार जो आप अपना सकते हैं, वो है हल्दी वाला दूध, काओ मिल्क या डबल टोन मिल्क, या फिर हल्दी वाला गुनगुना पानी आप जरूर पिए। कच्ची हल्दी जो होती है उसको ग्राइंड करके उबाल लें और उसे पिए सुबह खाली पेट। इससे भी किडनी डिटॉक्स होगी, साथ ही साथ किडनी के फिल्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। रीज़न है, इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपकी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। एंड नंबर थर्ड, आप तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल कर पी सकते हैं, या फिर इसको पीस कर भी आप खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, साथ ही साथ ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। तो ऐसे में तुलसी के पत्ते आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। वहीं डायलिसिस से अगर आपको अपने आप को बचाना है, तो सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल में रहेगा, तो उसके लिए आपको लो सोडियम डाइट पर जाना होता है। लो सोडियम डाइट में आप नॉर्मल नमक का सेवन नहीं करेंगे, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी फूड आइटम्स हैं जिनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उनसे आपको दूरी बनानी होती है। साथ ही साथ अपने ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखना होता है। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं, तो आपका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। और डायलिसिस से बचना है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर यही रहता है कि आपको अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम रखना है। तो नॉनवेज डाइट ना खाएं। आप घरेलू उपचार की बात चल रही थी, तो ऊपर मैंने आपको घरेलू उपचार तो बताए हैं, लेकिन ये जो टिप्स हैं, ये भी आपको फॉलो करनी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को अगर रोक लेंगे ना, तो डायलिसिस की नीड ही नहीं पड़ेगी। नॉन वेज डाइट ना खाएं। प्रोटीन की नीड है शरीर में, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे मूंग दाल, मसूर दाल और मोट दाल का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में प्रोटीन की भी मात्रा फुलफिल हो जाती है। वहीं आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। अजवाइन के पानी पीने से आपका पेट भी साफ होता है, किडनी भी डिटॉक्स होती है, साथ ही साथ किडनी के फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं। इसके साथ साथ जो घरेलू उपचार आप अपना सकते हैं, वो है आपका डेली बेसिस पर योगा या एक्सरसाइज करना। अगर आप डेली बेसिस पर योगा और एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी आप अपनी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, शरीर की एक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं, और इन तरीकों से आप अपने आप को डायलिसिस से बचाए रख सकते हैं। अगर आपको भी डर लगता है कि आपको डायलिसिस ना करवाना पड़ जाए, तो उसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, विदाउट ट्रीटमेंट आप किसी भी घरेलू उपचार की मदद से अपने आप को डायलिसिस से नहीं बचा पाएंगे। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल कंडीशन है। किडनी की समस्या बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, बहुत लंबा समय लग जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता ये समस्या कब बन जाती है। इसी तरीके से अगर इसको आप घरेलू उपचार से ठीक करना सोचेंगे,
तो नहीं ठीक हो पाएगा। इसके लिए आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके किडनी के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करे। धीरे धीरे किडनी के फंक्शंस इम्प्रूव होंगे, जो शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जब प्रोसेस होगा आपकी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने का, तो आप डायलिसिस से बचे रह सकते हैं या अपनी किडनी को दोबारा एक हेल्दी किडनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गलत ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लेते हैं जो आपकी बीमारी को दबा रहा है, किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको भारत होम्योपैथी के एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप उस पेशेंट के रिव्यू देखें, भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्होंने भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को क्या कहा है और दूसरे पेशेंट को वो क्या एडवाइस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भारत होम्योपैथी के पेशेंट ने आपके लिए क्या बोला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और अपने किडनी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ, जिनका नाम चतुर्भुज है। आज वो किडनी से सफ़र कर रहे थे। जब वो हमारे पास आए तो उनका जो क्रिएटिनिन का लेवल था वो 10 के करीब था, 10.20, और ब्लड यूरिया 186 और BUN 86.80 था। फॉस्फोरस भी उस समय बढ़ा हुआ था, 7 था, और उनकी जो राइट किडनी है वो पहले से बिल्कुल छोटी हो चुकी है, और लेफ़्ट किडनी है वो भी पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी है। पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि उनको हाइपरटेंशन की शिकायत काफ़ी लंबे समय से था। वो प्रॉपर मेडिसिंस भी लेते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनकी किडनी क्या हुई है, ख़राब होती चली गई है। अब उन्होंने पूरा एक महीना हुआ है भारत होम्योपैथी से मेडिसिंस लेते हुए। अभी जो उनका क्रिएटिनिन का लेवल है वो आ चुका है 8.68 पे, यानी कि जो पहले क्रिएटिनिन का लेवल था 10.20 अब हो गया है 8.68 के करीब, और ब्लड यूरिया 129 हो गया है, और ब्लड बर्न यूरिया 60.50 हो गया है। सिम्टम्स जो उनके शरीर पे आते थे वो था कि उनके नौजिया और वॉमिटिंग, जैसे ही वो खाना खाते थे तुरंत उनको वॉमिटिंग हो जाता था, साथ ही साथ कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा फील होती थी इनको। वेट भी काफ़ी डाउन हो गया था, यानी कि वेट भी काफ़ी लूज़ हो चुका था। घबराहट और बेचैनी बहुत बनी रहती थी, खासकर जब वो रात में सोते थे, और पेट में बहुत भारीपन महसूस होता था। आज वो पूरे एक महीने का ट्रीटमेंट लिया है, लेवल्स भी उनके काफ़ी हद तक कम आ गए हैं, और जितने भी सिम्टम्स थे उनके शरीर में वो आज पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि चतुर्भुज जी का भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप अभी? कैसा लग रहा है आपको कि आपका क्रिएटिनिन का लेवल पहले जो 10.20 था, अभी लेवल आपका काफ़ी डाउन हो गया है 8. बहुत अच्छा, बेटर है। पहले 10.2 था, मेरा 8.2 है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, और जो सिम्टम्स आप महसूस करते थे, जैसे आपने मुझे फर्स्ट टाइम जब विजिट किया था मेरे पास, आपने बताया था कि नौजिया और वॉमिटिंग होती थी, जैसे कुछ खाते थे, इवन कि कुछ भी खाते थे आपको तुरंत वॉमिट हो जाता था हर 3 दिन बाद। तो अभी क्या ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है? सिम्टम्स नहीं, इस समय बिल्कुल सिम्टम्स बिल्कुल ओके हैं। और घबराहट बेचैनी भी महसूस होती थी, पेट में भारीपन, वो सारी चीज़ें ठीक हैं? ओके, तो आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है कि एक महीने में आपका 2.5 कम हो गया है? जब तक पूरा नहीं सही तब तक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी कुछ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो बेटर है। अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आपका 2 point something जो लेवल से वो नीचे आया है। ओके, तो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने से पहले आप कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिए हैं, और डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा है आपको? फर्स्ट टाइम मैंने अमृता, कब मेरे को पता चला तो मैं अमृता हॉस्पिटल गया, वहाँ से मैंने 1 week तक ले ट्रीटमेंट करवाया, बहुत मेरे को कष्ट लगा। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट दिल्ली के सभी सरकारी जितने हॉस्पिटल हैं मैं वहाँ पे गए। अच्छा, लेकिन वहाँ पे मेरे को सेटिस्फाई नहीं हुआ, सब कोई एनालिसिस डायलिसिस करने के लिए बोल रहे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे थे। सब लोग आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे। ओके, तो आपको भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता लगा? मैंने अपने रिलेशन रिलेटिव थे उनको बताया, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भारत होम्योपैथी का नंबर दिया, मैंने इनसे बात किया, अपॉइंटमेंट लेके फिर मैं यहाँ पे आया। उसके बाद आपने रिजल्ट देखा। ओके, देखिए आपका 2.5 कम हुआ है, आपको डायलिसिस की तरफ और ट्रांसप्लांट की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे, ठीक है? कैसा लग रहा है? आप मेरे बाकी जो किडनी पेशेंट हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनको लगता है सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही एक जरिया उनके ठीक होने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोग से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भारत होम्योपैथी का है, और एक बार मैडम से या सर से जो भी हों उनसे एक बार मीट करें। ओके, ट्रीटमेंट के दौरान हमने आपको डाइट भी कुछ दिया था, गाइडलाइंस दिए थे फॉलो करने के लिए, क्या वो चीज़ें फॉलो हो रही थी? फॉलो हो रही है,
100% तो नहीं हो रही, लेकिन कोशिश ट्राई 80% 70% ट्राई करते हैं। देखिए आपने डाइट भी फॉलो किया है, आपके लेवल्स भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं, अब आपको डाइट जो है और भी अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जो जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ दोबारा से वो चीज़ें आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी आपके लेवल और भी ज़्यादा कम होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट की कंडीशन में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्रिएटिनिन लेवल कैसे कम हुआ है। तो अगर आपका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है उसे कम किया जा सकता है, आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने किडनी के फंक्शंस को बढ़ा सकते हैं। क्रिएटिनिन कम करना अलग चीज़ है, किडनी के फंक्शंस इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.